और देखिए अगर आपको लग रहा है ना कि मैं रो रही हूँ तो मैं रो नहीं रही हूँ। मैंने कहा नहीं, जब बोला है मैंने बादामी कोरमा तो पकेगा बादामी कोरमा। हमारी प्याज जो है ना बड़ी जबरदस्त सी जो है ब्राउन हो गई है, कोरमे की जो शक्ल है ना देखें वो आना शुरू हो गई, और बड़ा जबरदस्त खुशबूदार कोरमा तैयार है। और साथ में जनाब ये है गार्लिक नान। उमर का निवाला निवाला नहीं होता वैसे, बाय द वे गाइस, उमर का निवाला दो दो चार निवालों का एक संगम है। हाँ देखें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। क्या हाल है भैया आप लोगों के? और देखिए अगर आपको लग रहा है ना कि मैं रो रही हूँ तो मैं रो नहीं रही हूँ क्योंकि प्याज बहुत जबरदस्त किस्म की है, इसने रुला रुला के मार दिया, इसको छीलने में जो है ना हालत टाइट हो गई है, ये थोड़ी सी अपनी किस्म की है। लेकिन जनाब भाई आज जो है, आज की दिन में क्या बन रहा है, फटाफट वाला काम करना है और बना रहे हैं बादामी कोरमा। उमर का बड़ा दिल है, बच्चों का दिल है कि वो जो है बादामी कोरमा खाएं, और गार्लिक नान आए हुए हैं बाहर से, तो मैंने कहा चलें ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट बना लेते हैं झटपट करके, ठीक है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ कि भाई मैं कैसे बादामी कोरमा बनाती हूँ झटपट वाला, और जो है बस फिर सब जो है वो खा लेंगे, भूख लगी हुई है सबको, तो ज़रा टाइम नहीं है, थोड़ा सा देर हो गई है बल्कि आज मुझे खाना पकाने में। उसका रीज़न ये था कि मुझे बनाना था दिन में, लेकिन इतना काम था, इतनी मीटिंग्स के सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। तो मैंने कहा बस अब बहुत हो गया, मैंने हटाया लैपटॉप और मैंने कहा इनफ इज इनफ, अब मेरे बच्चे जो है वो भूखे हो रहे हैं और जो है अपने हस्बैंड को भी खाना देना है मैंने, तो लेट्स गो टू द किचन। उन्होंने बोला कि चलो आज छोड़ दो, ना बनाओ, कुछ और कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, जब बोला है मैंने बादामी कोरमा तो पकेगा बादामी कोरमा, ठीक है। तो चले फिर बनाते हैं, तैयारी करते हैं, मैंने आपको दिखा देना है, साथ साथ बनाते जाएंगे, मैं दिखाती जाऊंगी एंड झटपट खाना तैयार कर लेते हैं फटाफट। तो चले करते हैं बिस्मिल्ला। अच्छा जी जरा आप देखिए मेरे पास क्या है, गरम मसाला मैं डाल रही हूँ, मैं जरा झटपट वाला काम मैंने आपसे कहा क्योंकि जरा जल्दी जल्दी हुई भी है खाने की। जो प्याज है ना मैं वो डालूंगी साथ में, मैंने जो है गरम मसाला डाल दिया इसके अंदर, हमारी जो इलायची होती है, काले मिर्च, दालचीनी, ठीक है, तेज़पत्ता, ये मैंने डाल के, और लौंग, ठीक है, ये डाल दिया है मैंने। तो बस अब हम क्या करें, हम जो है हमारी प्याज है ना बस उसको फ्राई करेंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन और जो सुर्ख सी होती है ना, क्योंकि ये कोरमे की प्याज है, ज़्यादा कलर ताकि इसका अच्छा सा आए, तो वो करेंगे। आप देख रहे होंगे कि उसमें थोड़ी सी मिक्स थी, जो थोड़ी सी रेड अनियन भी पड़ी हुई है, उसका रीज़न ये नहीं, मैं कोई स्पेशल रेसिपी नहीं बना रही हूँ, मैं जो व्हाइट प्याज है उसकी का कोरमा बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास जो है मैंने अभी देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, एंड वो नहीं थी इतनी इनफ नहीं थी, तो जाहिर पता खाना तो बनाना है और उसकी बेस कोरमे की सारी बेस ही जो है वो प्याज की होती है, तो मसाला नहीं बनेगा अगर कम होगी, तो मैंने सिर्फ दो रेड अनियन भी डाल दी, तो कोई मसला नहीं, अच्छे से फ्राई हो जाएगी ये भी, और फिर इसको जो है पीस लेंगे, देन चिकन डालेंगे, अदरक लहसुन और करके जैसे बनता है, तो इतना मसला नहीं है, झटपट बन जाता है, लेकिन मुझे बस ये था कि बना दूं क्योंकि जो नुवैरा है उसको बहुत बड़ा शौक था कि वो कोरमा खाए, और वो बड़े फरमाइश करके गई थी, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं बना नहीं सकी टाइम से, एंड आई वाज सो बिजी बिकॉज काम काम ने जो है ना वो सही से बताया हुआ काम, नहीं कहा अच्छे से काम करवाऊंगा, तो बस ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम था इस वजह से मैं नहीं कर सकी, लेकिन कोई बात नहीं, काम हो जाता है। वैसे मैंने देखा शाम में हांडी जरा जल्दी पकती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, आप मानते हैं इस बात को, शाम में बनाओ तो बड़ी जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, हांडी पकाओ सारा कुछ फटाफट हो जाता है, तो बस ये है, इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा भाई ये देखें हमारी प्याज जो है ना बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ब्राउन हो गई है, तो बस मैं जो हूँ ना इसको जा रही हूँ निकालने, और अच्छा बहुत काला नहीं करिएगा क्योंकि मैंने देखा है अगर बहुत ज़्यादा काला करें ना प्याज ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा लाल कर लें फिर वो कोरमे का कलर ना बहुत ही काला काला सा भी हो जाता है कभी कभी, तो ये देखें हमारी प्याज जो है वो बहुत अच्छी सी हो गई है, मैं इसको बस अब निकालने वाली हूँ ऑयल में से, फिर हम डालेंगे अपनी चिकन एंड अदरक लहसुन पिसा हुआ, ठीक है। अच्छा भैया जिस प्याज ऑयल में हमने फ्राई करी है ना, मैं उसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन पिसा हुआ, ये जो हमारी चिकन है ना मैं वो डालने जा रही हूँ, ठीक है, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह करके मैंने इसे पाक कर लिया है कलमा पढ़ के, तो ये जनाब ये मैंने डाली हमारी चिकन, ठीक है, ये आ गई चिकन हमारी, और साथ ही मैं डालने जा रही हूँ उसके अंदर नमक, ये लीजिए जनाब ये आ गया हमारा नमक इसके अंदर, तब इसको अच्छे से ना तेज़ आंच पे भूनेंगे क्योंकि चिकन है, तो चिकन को 5 मिनट खूब तेज़ आंच पे भूनना चाहिए, सकला जरा गोल्डन हो जाएगा, फिर सारे मसाले डाल देंगे,
अच्छा जी भैया देखिए हमारी जो चिकन है ना अच्छे से हमने उसको 5 मिनट वो कर लिया, फ्राई कर लिया है, यानी कि इसको भून लिया है लहसुन अदरक और नमक के साथ। अब मैं क्या डाल रही हूँ, देखिए मेरे पास क्या है इसके अंदर, 1 टेबलस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है एंड हाफ टी स्पून जो है मेरे पास गर्म मसाला है, दैट्स इट। बस ये मसाला हमने इसके अंदर डाला। मैं इसकी आँच थोड़ी सी स्लो कर दूँगी ताकि जो है हमारा मसाला जले नहीं, एंड देन बस इसको हल्की आँच पर जो है वो मैं भूनूंगी। अच्छा जनाब ये देखें हमारे कोरमे की जो शक्ल है ना देखें वो आना शुरू हो गई, तो ये मेरा मसाला जो है ना देखें बहुत अच्छे से भुन गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर 1 कप, ये देखें मेरे पास 1 कप वाटर है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। ये इसके अंदर मैंने डाल दिया और अब मैं इसको लाऊंगी बॉयल, ये बॉयल होगा थोड़ा सा 5 मिनट, इसको मैंने पकाना है ऐसे ही, तब तक कि मैं करने जा रही हूँ जो हमारी प्याज है ना मैंने उसे पीसना है और वो पीस के मैं योगर्ट में मिला के ना फिर इसके अंदर लगा दूँगी, ठीक है। तो बस ये हमारी कहानी हो गई, हो जाएगी ख़त्म। तो बस बेसिकली इसको हमें गलाना है, ये अच्छी खासी कुक हो चुकी है ऑलरेडी, हमने इसको उतना भून लिया है मसाले के साथ लहसुन अदरक के साथ। अब जो है ये बस थोड़ा सा जो है ना ये अपनी जूसेस इसमें छोड़े ताकि और मज़ेदार सा कोरमा हो। तो जनाब ये है और मैं जा रही हूँ लगाने इस पर ढक्कन। अच्छा मेरे साथियों ये देखिए मैंने क्या किया है, देखिए मैंने जो प्याज करी थी ना फ्राई लाल करी थी, देखिए मैंने उसको ऐसे पीस लिया है, ठीक है। मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर तकरीबन कुछ बादाम, ठीक है, 7-8-10 बादाम जितना भी, क्योंकि बादामी कोरमा है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो फ्लेवर आना चाहिए। मैंने इसको पीस लेना है ज़बरदस्त एंड देन मैं इसको डाल दूंगी योगर्ट के अंदर, ठीक है। मैं चले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या किया है, जो मैंने मसाला पीसा था ना हमारा प्याज का और बादाम का, ठीक है, मैंने इसमें 1 कप दही डाली है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। मैंने दही के साथ नहीं पीसा, मैंने अलग पीसा जैसा आपने देखा है, क्योंकि दही के साथ पीसा ना ये दही बिल्कुल पानी पानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अलग से पीस के और पास इसको हम मिक्स करेंगे, ये हमारा जो मसाला या इसकी बेस है ये बनाएगी अच्छी तरह से। मसाले ऑलरेडी उसमें एक हल्की सी बेस ऑलरेडी आ चुकी है, बन चुकी है उसमें एक सॉस टाइप का कोरमे का, लेकिन ये है असल में जो कोरमे को जायका देता है ना प्याजी प्याजी जायका। तो ये इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और ये रेडी है। तो जैसे हमारी चिकन जो है वो बस 5 मिनट में जो गलेगी उसके बाद हम इसमें ये डालकर ना और इसको दम दे देंगे एंड दैट्स इट। अच्छा भाई ये देखिए हमारा जो कोरमा है ना, ठीक है, वो जो मसाला और जो मैंने थोड़ा पानी डाला था ना इसके अंदर उसके बहुत अच्छा सा बन गया। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, जो हमने पेस्ट बनाया है ना ये देखें, ठीक है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है, और अब हम इसको करेंगे मिक्स। आहिस्ता आहिस्ता इसने आ जाना है, इसने सेट हो जाना है आहिस्ता आहिस्ता, है ना। अच्छा भैया देखें देखें हमने डाला है ना, अब हमें इसको भूनना है, ठीक है। कोरमे की होती है भुनाई ज़बरदस्त, सबको पता है ये बात। तो बस इसको भूनेंगे और जब ये सारा मसाला हर चीज़ जो है ना यकजान हो जाएगी ना, उसकी शक्ल अच्छी से आएगी, बस फिर इस पर डालेंगे हम अपने जो अदरक की जो जूलियन है वो डाल के थोड़ी सी और कटी हुई अदरक डालकर इसको दम पे लगा देंगे। बस माशाल्लाह से ये हो गया। आखिर में आप चाहें तो इसमें केवड़ा डाल सकते हैं खुशबू के लिए, जैसे होता है क्योंकि कोरमा ज़रा खुशबूदार अच्छा लगता है। तो मैं इसको बस भुनाई करूँगी और फिर मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जनाब, एंड फिर इसको लगाएंगे दम पे और गरम करेंगे ज़रा से। क्या करेंगे गरम बताएं, क्या आइडिया है बताएं, मुझे गैस करके बताएं। अरे नान यार, वरना खाएंगे कैसे इसको नान करेंगे, सब भूखे हैं इस वक्त, मेरी जो है ना बिल्कुल रेस लगी हुई है हाँ जी ये देखें हमारे कोरमे की बड़ी ज़बरदस्त सी शक्ल आ गई है, ठीक है जनाब। और ज़ाहिर सी बात है ये कोरमा है तो जनाब देखें ऑयल देख रहे हैं ना, ऑयल तो डल जाएगा इसके अंदर, डॉक्टर ने मना करा है तो बिल्कुल ना खाइएगा ठीक है ना, ज़रूरी है, हेल्थ सबसे फर्स्ट होती है, ठीक है, हेल्थ से कोई किसी किस्म की जो है ना छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और लेकिन अगर डॉक्टर ने मना नहीं करा है और मज़े कर रहे हैं, इन्जॉय करें, रज के खाएं, इन्जॉय करें, तफरी करें, लाइफ जो है ना बड़ी छोटी सी है, बड़ी नन्ही मुन्नी सी है कब शुरू होती है कब ख़त्म पता नहीं चलता, ठीक है। मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा अदरक, ठीक है, ये मैंने अदरक डाल दिया और मैं बस इसको लगा रही हूँ इसके ऊपर। अच्छा मैं थोड़ा सा ना केवड़ा भी डाल रही हूँ हल्का सा, जस्ट 1-2 बूंद डालूंगी खाली, 1-2 ड्रॉप्स जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा एक अच्छा सा खुशबूदार सा कोरमा तैयार हो जाता है एंड दैट्स इट, फिर दम पे लगाएंगे एंड देन हमारा कोरमा रेडी। मैंने कहा था ना जल्दी जल्दी से बना लेंगे कोरमा, तो ये देखें कोरमा रेडी है कोरमा बन गया है, मुझे खुशी है कि मैंने कोरमा बना लिया है तो चलें दम देते हैं और 5 मिनट के बाद जो है इसको नोश फरमाते हैं। हाँ भाई ये देखिए जी हमारा ज़बरदस्त सा शाही बादामी कोरमा तैयार है ठीक है जी, झटपट बन गया है, आप देख रहे हैं इसकी शक्ल देखिए कितनी शानदार है ना, मज़ेदार है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मैंने थोड़ा सा केवड़ा डाला था इसके अंदर और बड़ा ज़बरदस्त खुशबूदार कोरमा तैयार है। और साथ में जनाब ये है गार्लिक नान, गार्लिक नान जो है वो हमने घर में नहीं बनाई है, बाज़ार से ली है, इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था तो ये देखें ये हमारा पूरा खाना रेडी है। तो बस अब मैं जाने वाली हूँ उन लोगों को आवाज़ देने,
ये लोग आएँ और खाना खाएँ और बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि बेचारे सब भूखे हैं। और खूबा सही है, खूबा चिकन इतना नहीं खाती हैं तो वो चली गई हैं, वो अपना खा पी के बैठ गई सुकून से। लेकिन नुवायरा और जो उमर है ना, बेचारे भूखे हैं, तो बस अब मैं इनको बुलाने जा रही हूँ। एंड आई थॉट लेकिन मैं पहले आप लोगों को उसका दिखा दूँ लुक फाइनल, ठीक है? तो ये जनाब हमारा कोरमा, बादामी कोरमा एंड गार्लिक नान। हाँ भाई उमर, भूख लग रही होगी ना? चले चले मैं बुलाती हूँ। हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। नुवायरा आ जाओ भाई, आ जाओ बेटा, खाना खा लो फटाफट, रेडी है। मैंने जल्दी जल्दी बनाया भाई, देखें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी वाला कोरमा पकाया आज, तो बस आप लोग खा लें। नुवायरा आप भी प्लेट ले लो बेटा अपनी, ठीक है? ये लो नुवायरा आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर बना रहे हैं एक जबरदस्त सा मसाला। ऑफ कोर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें क्या नहीं जा रहा है मुंह के अंदर, बस सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर का निवाला निवाला नहीं होता वैसे, बाय द वे गाइस, उमर का निवाला दो दो चार निवालों का एक संगम है। वंडरफुल बात है, मजे का है, भाई नुवायरा डिलीशियस, खुश हो? मैंने देखो बना दिया, ये नहीं कहना अम्मा काम कर रही थी तो अम्मा ने बनाया नहीं खाना। हाँ भाई, तो देखिए मैंने जो है फाइनली अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, मैंने बना दिया कोरमा, सब खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त खुशबू फैली हुई है घर में, मैं भी जा रही हूँ खाने। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से आप सबके लिए ढेर सारा प्यार। और हाँ देखें सब्सक्राइब करना मत भूलें, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, बाय।